हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की 6th क्लास की हिंदी की बुक का 6ठा चैप्टर मनोहर। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है डॉक्टर राकेश तेलंग जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। तो लेखक कहते हैं, मैं बिलासपुर की एक घनी बस्ती के बीच खड़ा था। बहुत वर्षों बाद इस नगर में आने का अवसर मिला। चारों ओर देखा, 10 वर्ष में कितना परिवर्तन हो गया था। बस्ती के लोगों के चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन समय की मार से वे चेहरे बूढ़े हो गए थे। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि वो बिलासपुर गए और बिलासपुर की जो घनी बस्ती थी, मतलब जहाँ पर बहुत से लोग रहते थे, वहाँ पर वो उस बस्ती के बीच में खड़े थे। बहुत वर्षों के बाद वो इस नगर में आए थे। उन्होंने चारों ओर देखा तो 10 वर्ष के बाद जो ये बस्ती थी इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था, और जो बस्ती के लोग थे उनके जो चेहरे थे वो जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर जो ये लोग थे काफ़ी बदल चुके थे। तो पहले ये लोग जवान थे, अब ये जो लोग थे वो काफ़ी बूढ़े लगने लगे थे। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं, मेरी निगाहें बस्ती के बीच चाय के उस ठेले को ढूंढ रही थी जो उन दिनों एक चाय की दुकान थी। तो जो लेखक थे वो उस ठेले को ढूंढ रहे थे, चाय के ठेले को, जो कि उस समय चाय का जो ठेला थी वो उस समय चाय की दुकान मानी जाती थी। आज वहाँ एक पक्का मकान बन चुका था। जो ठेला था चाय का, जहाँ पर ये ठेला लगाता था चाय वाला, वहाँ पर अब मकान बन गया था, वो भी पक्का मकान बना हुआ था। हाँ, मकान के नीचे फुटपाथ से लगे एक छोटे से केबिन को देखकर मेरी दृष्टि एक पल के लिए ठिटकी। तो मकान के नीचे जो पक्का मकान था, उसके नीचे जो फुटपाथ था जहाँ पर लोग आते जाते रहते थे पैदल चलने वाले, वहाँ पर ही पास में क्या था, एक छोटा सा केबिन था। तो उस केबिन को देखकर जो लेखक हैं उनकी निगाह, जो दृष्टि थी वो एक पल के लिए ठिटक गई। मतलब उसको देखते ही वो एकदम रुक गए, जो केबिन था उसको देखकर वो एकदम रुक जाते हैं। हाँ, वही चाय का ठेला आज साफ सुथरा केबिन बन गया था। तो उनके ज़माने में जो चाय का ठेला था आज क्या था, साफ सुथरा केबिन बन चुका था। बिलासपुर छोड़ने के बाद मैं सपरिवार जनक नगर के अपने पुश्तैनी घर में बस गया था। तो जो लेखक थे पहले बिलासपुर में रहते थे, लेकिन बिलासपुर से जाने के बाद वो अपने परिवार सहित जनक नगर का जो उनका पुश्तैनी मकान था, जो उनके दादा परदादाओं का मकान था, उसमें वो रहने लगे थे। तो बिलासपुर से वो जनक नगर आ गए थे। आज इतने वर्षों बाद एक पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने का उन्हें अवसर मिला था। तो आज इतने वर्षों बाद, तो 10 साल के बाद एक पारिवारिक समारोह था, कोई फंक्शन था जिसमें सम्मिलित होने के लिए, जिसको अटेंड करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। न जाने क्यों बरसों पुराना चाय का ठेला मुझे बिलासपुर की पुरानी बस्ती में खींच लाया था। तो जो पुराना जो उनका ठेला था चाय का, उनको उसकी याद आती है। जब इस बस्ती में आते हैं तो उनको लगता है कि वो चाय के ठेले पर जाएं। तो वो क्या करते हैं, बिलासपुर की एक पुरानी बस्ती है वहाँ पर जाते हैं चाय वाले को देखने के लिए, चाय का ठेला देखने के लिए। केबिन पर चाय बनाते एक युवक को देखकर मेरे पैर बरबस उसकी ओर बढ़ गए। तो केबिन पर एक युवक था जो कि चाय बना रहा था। तो जब लेखक उसको देखते हैं तो उसकी ओर चल देते हैं, क्या तुम मनोहर नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो। तो जो लेखक हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम मनोहर नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो। तो जो युवक है वो कहता है, तो युवक ने चाय को प्यालों में डालते हुए पूछा, बाबूजी किस मनोहर के लिए पूछ रहे हैं आप। तो जो युवक था वो क्या करता है, चाय जो होती है उसको प्याले में डालता है, और जो लेखक थे उनसे पूछता है कि बाबूजी आप किस मनोहर के लिए पूछ रहे हैं, मुझे आवाज़ पहचानी सी लगी। ध्यान से देखा, युवक अपनी मस्ती में खोया चाय बनाने में मशगूल था। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो आवाज़ थी वो मुझे जानी पहचानी सी लगी। तो मैंने ध्यान से देखा तो जो ये युवक था जो चाय बना रहा था वो अपने चाय बनाने में बिजी था। तो चेहरा भोला भाला, आँखों में बचपन जैसी अभी भी जैसे अभी भी झूल रहा था। तो उसका जो चेहरा था बहुत ही भोला भाला था, और उसकी आँखों में अभी भी क्या थी, बहुत मासूमियत थी, बचपन उसकी आँखों में नज़र आ रहा था। ललाट पर खिंची रेखाएं चेहरे की मासूमियत के साथ मेल नहीं खा रही थी।
ये बता रही थी कि कैसे कच्ची उम्र अनुभव और जीवन के थपोड़ों से गंभीर हो जाती है। तो जो इसकी रेखाएं थी माथे पर, वो उसको देखकर ऐसा पता चलता था कि बहुत ही छोटी उम्र में इसने बहुत कष्ट सहे हैं। मैंने सभ्रम पूछा, मैं उस मनोहर की बात कर रहा हूँ जो कभी यहाँ चाय के ठेले पर काम करता था। तो जो लेखक हैं वो उससे कहते हैं कि मैं उस मनोहर के बारे में पूछ रहा हूँ जो यहाँ पर कभी चाय के ठेले पर काम किया करता था। सुनकर युवक की आंखें चमक उठी। बाबूजी, कहीं आप वे तो नहीं जो वर्षों पहले यहाँ चाय पीने आते थे? तो जब युवक ने ये सुना कि वो मनोहर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सुनकर युवक की आंखें चमक उठी। चलो, कोई तो है उसका जानने वाला। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी आंखों में खुशी दिखाई देती है। तो वो पूछता है लेखक से, कहीं आप वो तो नहीं है जो वर्षों पहले यहाँ पर चाय पीने आते थे? तो जो लेखक हैं वो कहते हैं, हाँ तुमने ठीक पहचाना। तो जो लेखक हैं उससे कहते हैं कि तुमने सही पहचाना, मतलब मैं वो ही हूँ जो यहाँ पर बहुत पहले चाय पीने आता था। तो लेखक कहते हैं, तो तुम ही मनोहर हो। मतलब जो लेखक हैं वो पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि यही मनोहर है। मनोहर ने झुककर मेरे पैर छू लिए। तो मनोहर ने क्या किया, झुककर लेखक के पैर छू लिए। मेरे लिए समझने को इतना ही पर्याप्त था। बचपन के मनोहर की विनम्रता आज और भी घनीभूत हो गई थी। तो जो बचपन का मनोहर था, जो पहले भी इतना अधिक विनम्र था, आज और भी विनम्र दिखाई दे रहा था। उसकी जो विनम्रता थी आज और भी अधिक गहरी हो गई थी। मुझे बीते समय की याद आने लगी। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे बीते समय की याद आने लगी कि मैं कैसे आता था उसके ठेले पे चाय पीता था। तब मनोहर चाय की दुकान पे काम करता था। तो जो मनोहर था वो जो चाय का ठेला था, जो कि क्या थी, उस समय की दुकान थी, वो चाय का ठेला ही चाय की दुकान कही जाती थी। तो वहाँ पर वो काम करता था। गजब की फुर्ती थी उसमें, तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता था। इस कार्य को करने के लिए किसी की बाध्यता नहीं थी। तो वो अपने मन से ही काम करता था, किसी ने उससे कहा नहीं था। सुबह शाम की मेहनत के साथ स्कूल की पढ़ाई भी मन लगा कर करता था। सुबह शाम वो मेहनत करता था और स्कूल भी जाता था, और स्कूल की जो पढ़ाई थी उसमें भी बहुत मन लगाता था। चाय की दुकान पर मेहनत से कमाया उसका पैसा स्कूल की फ़ीस में चला जाता था। तो चाय की दुकान पर उसको जो कुछ मिलता था, जो कुछ वो वहाँ से कमाता था, वो अपने स्कूल की फ़ीस दे देता था। बातों ही बातों में एक दिन उसकी राम कहानी सुनने का अवसर मिला। तो बातों ही बातों में पता चला कि उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। तो उसने बताया, मैं अपने घर से भाग कर यहां आया हूं। तो वो लेखक को बताता है कि वो यहां पर अपने घर से भाग के आया है। यह पूछने पर कि तुम घर से क्यों भागे, मनोहर ने जो कुछ बताया था वह एक अमिट छाप की तरह मेरे हृदय में अंकित हो गया। तो जब लेखक उससे पूछते हैं कि तुम घर से क्यों भागे, तो जो मनोहर था अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो घर से क्यों भागा। तो वो जो कुछ बताता है अपने बारे में, वो सब चीज़ें लेखक के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। बाबूजी, अब उस घर में मेरा क्या रह गया था जो मैं वहाँ रहता? तो वो कहता है, बाबूजी उस घर में मेरा क्या था, मैं क्यों रहता वहाँ पे? मेरा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वो पूछते हैं लेखक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान में डूंगरपुर के पास एक छोटे से गांव का। तो बताता है वो कि मैं राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है डूंगरपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो लेखक पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? एक माही तो थी, मर गई। तो वो बताता है कि एक मेरी माही तो थी जिनकी मौत हो गई। कब, कैसे? तो जो लेखक है पूछते हैं, कब हुई, कैसे हो गई उनकी मौत? बाबूजी, तब मैं कोई 2 बरस का था। बड़ी प्यारी थी मेरी माँ, बहुत प्यार करती थी मुझे। बीमार हो गई थी बेचारी, दवा के पैसे नहीं थे हमारे पास, बस बिना किसी दवाई के एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। तो वो बताता है कि बाबूजी, जब मैं कोई 2 बरस का था तो मेरी जो माँ थी वो मुझे छोड़ के चली गई। बहुत अच्छी थी मेरी माँ, बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो बीमार हो गई, तो दवा के पैसे नहीं थे, दवा उनको मिली नहीं, तो उनकी मौत हो गई। आज युवक मनोहर को देखकर मुझे बचपन का वह मनोहर याद आ गया जो माँ की बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़ा था। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो ये युवक था, मनोहर था, जब वो अपनी माँ के बारे में बता रहा था तो उसको अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, और अपनी माँ के बात करते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। और घर में कौन कौन है सुनकर उस दिन मनोहर के चेहरे पर कड़वाहट सी आ गई थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई घर में और कौन कौन है? तो
जो ये प्रश्न था मनोहर को अच्छा नहीं लगा, उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि ये प्रश्न उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वे तो उसी दिन मुझे छोड़कर चले गए जिस दिन माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, यह कहकर बालक मनोहर रो पड़ा था। तो जो मनोहर था जब बताता है कि जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन ही क्या हुआ था, मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए थे, और ये सब चीज़ें याद करके मनोहर को रोना आ जाता है। आज भी मैं वो पल भूल नहीं पाया जब बालक ने टूटे फूटे शब्दों में अपनी कहानी बयान की थी। सब कुछ सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मातृ पितृ विहीन उस बालक का बचपन संघर्ष से भरा हुआ था। अकेला बच्चा, अपना कहने वाला कोई नहीं, जो कुछ करना था उसका अपना निर्णय था। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं उस पल को मैं आज भी नहीं भूल पाया कि जो ये बालक था उसने किस तरह से अपनी पूरी कहानी थी मुझे बताई थी। तो सब कुछ सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये बच्चा जो था इसने अपना जीवन बहुत संघर्ष में बिताया था। इसके माता पिता नहीं थे, माँ तो इसकी चल बसी थी, मौत हो गई थी उनकी, और उसी दिन ही जो इसके पिताजी थे वो इसको छोड़ के चले गए थे, तब ये 2 साल का था। अकेला बच्चा था, कोई उससे कहने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, जो कुछ उसका मन करता वो करता, उसका जो कुछ भी उसको करना था उसका ही निर्णय होता था, उसका ही फैसला होता था, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इसलिए 5 वर्ष का होते होते मनोहर बड़ा मेहनती बन गया था, मेहनती बालक बन गया था। इसलिए क्या हुआ था, 5 वर्ष का होते होते जब वो 5 वर्ष का था तभी से वो बहुत मेहनती बालक बन गया था, क्योंकि उसने बचपन से ही कष्ट सहे थे तो उसको बचपन से ही आदत हो गई थी काम करने की। मुझे आज भी याद है उस दिन बहुत तेज़ सर्दी थी, शाम होते होते बाजार सूने हो गए थे। दिन भर रजाई में दुबके रहने के बाद इच्छा हो आई टहलने की, सर्दी से बचाव के लिए ओवरकोट पहना, न जाने क्यों कदम मनोहर के घर की ओर चल पड़े। तो लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी याद है उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, और शाम हुई तो क्या हुआ, जो बाज़ार थे वो सूने हो गए, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था ठंड की वजह से। तो दिन भर मैं रजाई में बैठा हुआ था घुसा हुआ, लेकिन शाम को लगा चलो टहलता हूँ, तो सर्दी से बचने के लिए मैंने ओवरकोट पहना, फिर ना जाने क्यों मेरे जो कदम थे वो मनोहर की घर की ओर चल पड़े। तो मुझे लग रहा था कि मैं मनोहर से जाके मिलूं। क्या मनोहर का भय घर सचमुच का घर था? चाय के ठेले के सामने दो छत्ती के नीचे कोने पर दिए की लौ में स्कूल के सबक को याद करना मनोहर दूर से ही दिखाई दे गया। श्रम सिक्त चेहरे पर थकान स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना चमक रहा था। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि आज मनोहर का भय घर सचमुच का घर था, जिस घर में वो रहता था वास्तव में वो उसका घर था। तो चाय के ठेले के सामने एक दुछत्ती थी, उसके नीचे एक कोने में दिया जल रहा था, उसकी लौ से जो स्कूल का सबक था, स्कूल की जो पढ़ाई थी वो कर रहा था। तो जो मनोहर था उनको दूर से ही दिखाई दे जाता है। पूरे दिन की जो थकान थी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, लेकिन उसके आँखों में भविष्य का सुनहरा सपना भी दिखाई दे रहा था, वो कुछ बनना चाहता है ये भी साफ चमक रहा था। मनोहर क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ सुनते ही मनोहर उठ खड़ा हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मनोहर क्या हो रहा है, तो उसने जब मेरी आवाज़ सुनी तो वो एकदम उठ जाता है। शरीर पर सर्दी से बचाव का कोई उपाय ना देख मैं विचलित हो उठा। तो मैंने देखा इतनी अधिक ठंड थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि उसको ठंड से बचाती। तो लेखक जो थे बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं कि इतनी ठंड में इसने कुछ भी नहीं पहन रखा। मनोहर ने शायद मेरे मन की था ले ली। तो मनोहर जो था वो समझ गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बोला आज सर्दी थोड़ी कम है बाबूजी, फिर यह कंबल भी तो है मेरे पास, आप चिंता ना करें। तो जो मनोहर था उसको समझ में आ गई थी कि लेखक क्या सोच रहे हैं, तो वो कहता है कि आज जो सर्दी है वो कुछ कम है बाबूजी। तो वो कहता है कि मेरे पास ये कंबल है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने देखा मनोहर के पास एक फटा कंबल था। तो जो मनोहर था उसके पास क्या था, एक फटा हुआ कंबल था, अभी वह बिछा हुआ था, अधिक ज़रूरत हुई तो उसी को ओढ़कर सो रहेगा मनोहर। तो जो कंबल था फटा हुआ उसको उसने बिछा रखा था, और जब उसको लगता कि हाँ बहुत ठंड लगती हो तो वो उसी कंबल को अपने ऊपर डाल लेता था।
मैंने कहा मनोहर आगे चलकर तुम क्या बनना चाहोगे, तो लेखक उससे पूछते हैं कि मनोहर आगे जाकर तुम क्या बनना चाहते हो। मनोहर बड़े विश्वास के साथ बोला, बाबूजी मैं पढ़ लिख कर बहुत कुछ बनना चाहता हूँ। तो जो मनोहर था पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मैं आगे जाकर बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी मैं चाय के ठेले पर थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ, जेब खर्च के लिए मुझे मेरे मालिक पर्याप्त रुपया दे देते हैं। तो वो बताता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, चाय के ठेले पर थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ और जो मेरे मालिक हैं वो मुझे जेब खर्च के लिए इतना पैसा दे देते हैं कि मेरा काम चल जाता है, वे मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तो वो कहता है कि जो मेरे मालिक हैं वो मेरे लिए पिता के समान हैं, मुझे उनका बहुत आसरा है। तो उनका मुझे बहुत आसरा है, मतलब बहुत सहारा है। उनके दिए गए रुपयों से मैं स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसा बचाने के बाद जो कुछ बचता है वह बचत के रूप में इस डिब्बे में बंद है बाबूजी। तो वो बताता है कि जो मेरे मालिक हैं जो कुछ पैसा देते हैं मैं उससे स्कूल की फ़ीस जमा कर देता हूँ और जो पैसा बच जाता है उसको इस डिब्बे में डाल देता हूँ। मनोहर की गुल्लक देखकर मैं गदगद हो उठा, बालक का संकल्प कितना दृढ़ है। तो जब मैंने मनोहर की गुल्लक को देखा जो लेखक हैं वो कहते हैं, तो मैं एकदम प्रसन्न हो गया, एकदम मुझे लगा कि देखो कितनी मेहनत करता है ये बच्चा और जो बालक का संकल्प है, जो उसने संकल्प लिया है वो कितना दृढ़ है, कितना पक्का है। हठात मेरे मुंह से आशीर्वाद के ये शब्द फूट पड़े। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अचानक ही क्या हुआ, बरबसी मेरे मुंह से उसके लिए आशीर्वाद के ये शब्द निकले थे कि बेटा तुम्हारी मेहनत अवश्य एक दिन रंग लाएगी, कि तुम्हारी जो मेहनत है वो एक दिन अवश्य रंग लेकर आएगी, मतलब तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका फल तुम्हें एक दिन अवश्य मिलेगा। तो अचानक यादों का सिलसिला रुका। तो जो लेखक थे उनको जो इतने साल पहले की बातें याद आ रही थी, एकदम उनका जो सिलसिला था यादों का वो टूट जाता है। युवक मनोहर कह रहा था, जो युवक मनोहर था वो कह रहा था, बाबूजी उस रात आपके दिए गए आशीर्वाद का ही फल है कि आज मेरा स्वयं का चाय का केबिन है। तो जो लेखक है उन्होंने जो इतने साल पहले उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो मनोहर कहता है कि बाबूजी आपने जो मुझे उस दिन आशीर्वाद दिया था इतने साल पहले उसका ही ये फल है कि आज मैं अपना स्वयं का चाय का केबिन चला रहा हूँ। पिता के समान मेरे मालिक मरते समय यह छोटी सी जगह मेरे नाम कर गए। तो जो मेरे मालिक थे जो कि मेरे लिए पिता के समान थे, जब वो मरे तो उन्होंने क्या किया, यह छोटी सी जो जगह थी उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। बचत के रुपयों से ही धीरे धीरे यह स्थान रहने लायक बना लिया, केबिन भी तैयार कर लिया। तो बताता है कि जो कुछ मैंने बचत की थी उससे मैंने क्या किया, उन रुपयों से धीरे धीरे जो ये स्थान था उसको रहने लायक बनाया और जो केबिन था उसको भी तैयार किया। मनोहर के चेहरे पर अपार संतोष, कृतज्ञता और आत्मविश्वास तीनों एक साथ दिखाई दिए। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जब मैंने मनोहर के चेहरे को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो कितना अधिक संतुष्ट है अपने जीवन से, और जो कुछ उसका समय था पहले जो बीत गया और उसके मालिक ने उसकी कितनी सहायता की, ये एहसान वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो कृतज्ञ होने का जो भाव था उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और उसके अंदर जो आत्मविश्वास था वो भी साफ झलक रहा था। तो संतोष, कृतज्ञता और आत्मविश्वास तीनों उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। बीते हुए समय के प्रति कृतज्ञता, तो जो समय बीत गया उसके मालिक ने उसकी इतनी अधिक सहायता की कि आज वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, तो ये एहसान वो कभी नहीं भूल पाएगा। और वर्तमान के प्रति संतोष, वर्तमान के प्रति मतलब आज उससे कोई चिंता नहीं थी, उसका काम था अपना तो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहा था। भविष्य के प्रति आशावादी था, उसका जो भविष्य था अब क्या था, अच्छे से वो अपना जीवन बिता सकेगा, तो वो आशावादी हो गया था कि अब उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुझे लगा एक मनोहर ही नहीं, ऐसे अनेक मनोहर देश के कोने कोने में अपने जीवन को संवारने में लगे हैं। मनोहर मेरे लिए भारत के सुखद भविष्य का पर्याय बन गया है। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जब मैंने मनोहर को देखा तो मुझे लगा कि हमारे देश में एक मनोहर ऐसा नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में न जाने कितने मनोहर हैं जो अपने जीवन को संवारने में लगे हुए हैं। तो उनका जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण तरीके से बीत रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को ठीक तरह से चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह से अगर सभी लोग प्रयास करेंगे जैसा कि मनोहर ने किया,
तो हमारे देश का जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल होगा। तो मनोहर क्या है, उनके लिए भारत के सुखद भविष्य का पर्यायवाची बन चुका है। अगर सभी लोग इस तरह से मेहनत करेंगे तो हमारे देश का भविष्य काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और इसमें जो लेखक है उनकी जो यादें हैं वो इसमें बताई गई हैं, और लेखक ने ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर हम मेहनत करें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कि उस बच्चे ने पा लिया जो कि कभी चाय के ठेले पर काम किया करता था, आज उसका अपना केबिन था और वो उसका मालिक था। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल साई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।